दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का दूसरा और सबसे अहम मुकाबला जो कि खेला जाना है न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर को, उसके लिए भारतीय टीम काफी जोरों शोरों से मेहनत कर रही है, जिसमें अभी हाल ही में प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमें भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के द्वारा गेंदबाजी में इतना शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसे देखकर तो मैदान पर मौजूद महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन है बेहतरीन गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का T20 वर्ल्ड कप का सफर अब शुरू हो चुका है। अपने पहले मुकाबले में शर्मनाक खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को पाकिस्तान जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस हार के बाद भारतीय टीम की काफी सारी गलतियां और कमजोरियां सभी के सामने आ गई, क्योंकि इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहले तो कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, सिवाय भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के अलावा, जिनकी बदौलत भारतीय टीम एक बेहद ही कमजोर स्थिति से अच्छी स्थिति में पहुंच सकी और उसके बाद एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा कर पाई। और इसे बचाने में भारतीय टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम का एक भी गेंदबाज सिर्फ एक विकेट नहीं निकाल पाया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के सामने तरसते हुए नजर आए। वैसे एक बात तो साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि भारतीय टीम का गेंदबाजी क्रम उतना मजबूत नहीं है जितना ये दुनिया के सामने प्रतीत होता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम के सामने भारतीय टीम के लिए एक भी विकेट ना निकालना काफी शर्म की बात थी। लेकिन दोस्तों, अब सभी खिलाड़ियों ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब बाकी किसी भी मुकाबले में भारतीय टीम कितना भी शर्मनाक प्रदर्शन करके नहीं दिखाएगी, क्योंकि अब बहुत जबरदस्त वापसी करने के लिए वो जबरदस्त मेहनत भी कर रहे हैं और सभी विपक्षी टीमों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करेगी। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इतनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसे देखकर तो सभी के होश उड़ गए। आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय टीम के दो सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर तो साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि ये गेंदबाज पूरी तरीके से अपनी लैब में वापस आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत से ही नई गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया, क्योंकि इन दोनों के खतरनाक गेंदबाजी के सामने तो केएल राहुल और रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। और इन दोनों की शानदार गेंदबाजी को देखकर महेंद्र सिंह धोनी, जो कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान पर ही मौजूद थे, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। और दोस्तों, ये दोनों वही गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक भी विकेट नहीं निकाला था, लेकिन अब इस प्रैक्टिस सेशन में जिस खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करके दिखाई है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों गेंदबाज अब पूरी तरीके से अपनी लय में आ चुके हैं और अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कतों में डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान इन गेंदबाजों ने रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली और सभी बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कत में डाला और उनकी बाउंसर गेंदों पर रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। इसलिए दोस्तों, अब यह कहना गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में अगर भारतीय टीम मुकाबला जीतती है तो इन दोनों गेंदबाजों के जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत होगा। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन सा भारतीय गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करके बेहतरीन विकेट निकालेगा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।